सभी साथियों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे दाहिने हाथ की तरफ एक कुंड आपको दिखाई दे रहा होगा। इस कुंड में कितना गंदगी है, कितना दूषित जल है, वो आपको बिल्कुल साफ साफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। ये कौन सा स्थान है, कौन सी जगह है, इसके बारे में अभी जो है जो यहाँ के जो मेंत हैं वो जो है संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसा कि आप पहले से देख पा रहे हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं KM न्यूज के माध्यम से, प्रतिज्ञा न्यूज के माध्यम से पर्दाफाश, हमारा जो पसंदीदा शो जो आप लोग सभी देख रहे हैं उसी पर्दाफाश के जरिए से हम आपको दिखा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि शासन प्रशासन जो है ये कहता हुआ चला आ रहा है कि हम जो है जितने भी प्राचीन जो धार्मिक जो सांस्कृतिक जो धरोहर हैं उनका जीर्णोद्वार एवं जो है उनको रखरखाव के लिए जो सरकार कार्य कर रही है। लेकिन मैं आज एक ऐसे पवित्र और तीर्थ स्थल के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि ब्रज 84 कोर्स के प्रथम पड़ाव में आता है और बिल्कुल जो ब्रज का बिल्कुल मेन जो धार्मिक जो क्षेत्र है उसका एक ऐसा कुंड जो कि पिछले करीबन 20 साल से जो है अपनी बदहाली के लिए रो रहा है। तो मैं सबसे पहले जो है आपका जो परिचय कराता हूँ यहाँ के महंत जी से। ये यहाँ के महंत जी हैं। महंत जी, आपका स्वागत है हमारे प्रथम प्रतिज्ञा चैनल पे। आप बताएं कि ये जो प्रक्रिया है कितने समय से चल रही है और कितने समय से आप जो है इसके लिए अथक प्रयास जो कर रहे हैं, शासन प्रशासन क्यों नहीं सुन पा रहा है आपकी? मैं इस प्रयास के लिए 10-12 साल हो गई हैं, मेरे पास प्रमाण भी है। गाँव का जितना गंदा पानी है क्षीर सागर बैकुंठ मधुबन में आता है, तो इसका जो नया कुंड श्रीकृष्ण कुंड बनाया इसमें जाता है, आप देखिए। यानी कि शासन प्रशासन के द्वारा आपने कोई भी सुविधा आपको नहीं दी गई, आप पिछले यानी 11 या 12 साल से जो है ये आवाज उठा रहे हैं और शासन प्रशासन बिल्कुल जो है मुख दर्शन बन करके देख रहा है। आज कई बार बाहर से पैसा भी आ गया, यहाँ लग नहीं पा रहा। इसका क्या कारण रहे होंगे? कारण ये तानाशाही और नौकरशाही के कारण कमजोरी से। ये जो कुंड है इसका जो संपूर्ण जो परिचय है, कौन सा कुंड है और ये कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये अनादि काल का पुरातत्व है, सबसे प्रथम स्थान है। बैकुंठ श्री सागर में ही मध्य को बस किया था, इसका नाम मधुबन पड़ा है। सबसे प्रथम वन ये है, जबकि वन विभाग ने आज तक कुछ भी नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण ने मधुबन मुँह पठाऊ भूर भयो गैयन के पीछे यहाँ गऊ चलाए, यहाँ जल पवाया, जिसके कारण से इसका नाम कृष्ण कुंड भी पड़ गया। यानी कि ब्रज 84 कोस की यात्रा में भी आता है। ब्रज 84 का पहला पड़ाव है, पहली सीढ़ी है। जब पहली सीढ़ी मजबूत नहीं है तो फिर आगे क्या होगा? तो आप जो है शासन प्रशासन से क्या मांग रखते हैं? यहाँ शुद्धिकरण चाहिए हमको, यानी कि जल निकास। हाँ, यानी कि ये जल निकाल दिया, दूषित जल को निकाल दिया जाए। दूषित जल को आगे नहर है उसमें डाल दिया जाए, जो शुद्ध जल है इसमें आए, इस जल का क्षीर सागर में आए, क्षीर सागर का सीधा बाहर निकले। तो इस दूषित जल से क्या क्या हानि यहाँ हो रही होंगी? जीवों को भी हानि हो रही है, बहुत सारे पशु पक्षी भी कहाँ रहेगा, कोई जीव जंतु नहीं दिखाई दे रहे। जो पहले चिड़िया होना चाहिए या कुछ होना चाहिए, हम वृक्ष पेड़ लगाते हैं वो जल जाते हैं, जो लगाते हैं फल फूल का कहीं फल फूल वाले कोई वृक्ष नहीं, कोई काम का नहीं। आप बताएं ये क्या प्रक्रिया, शासन प्रशासन से क्या मांगे आपकी, क्या क्या परेशानियां हैं आपकी? अपने महाराज जी कह रहे हैं वो सही बात है, पुरानी चीज है ये, प्राचीन चीज है। और इसमें मधुबन कुंड है जी, जब जो गाय चराने आए कृष्ण भगवान, जब का बना हुआ, अब इसमें गंदा पानी अभी से आप देख रहे हैं इसको, तो ये पानी यहाँ से निकल जाए और इसमें साफ पानी आ जाए और इस पानी की कई व्यवस्था करी जाए, जो ये गटरों का पानी आ रहा है। अगर शासन प्रशासन अगर आपकी बात नहीं सुनता है तो आप क्या करेंगे आगे चल के? सही है कि अपन धरना धरेंगे, कुछ न कुछ ऐसे कार्रवाई करेंगे। यानी कि आपने जो संकल्प जो लिया है कि हम जो है इसे दूसरे जल को निकलवा के रहेंगे, सरकार अगर आपकी बात नहीं सुनती, आप किसी भी धरने प्रदर्शन के लिए तैयार हैं? यानी आपका संकल्प जब तक जल अटकाए नहीं निकलेगा, दूसरे जल नहीं निकलेगा यहाँ से और शुद्ध जल इसमें नहीं भरेगा, तब तक आपका संघर्ष समाप्त नहीं होगा? बिल्कुल यही क्या होगा।